हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छा से तैयारी भी चल रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ से एक वैकेंसी निकल के आ रहा है, जो आप लोग को पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा ज़रूर एक लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ कोई भी जॉब के अपडेट रहने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए या इंस्टा में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैंने शॉर्ट नोटिस डाल देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। चलिए दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं। ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के तरफ से, BEL के तरफ से। दोस्तों, पूरा जानकारी दूंगा आप लोग को ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, यह है दोस्तों, देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के तरफ से बेंगलोर से ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। एंगेजमेंट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर। दोस्तों, यहाँ पे जिसके पास BBTech है, उन्हीं लोगों ने इसको अप्लाई कर सकते हैं। BBTech क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। जिसके पास ITI डिप्लोमा है, उन लोगों ने अलग वीडियो देख सकते हो। दूसरा वीडियो भी है, अभी पहले से कुछ रिक्रूटमेंट भी चल रहा है। चैनल में जाइए, देखिए, उसको अप्लाई करिए। पर ये आपकी काम का मतलब नहीं है दोस्तों। आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, जाते जाते ज़रूर लाइक करिएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आ रहा है BBTech वालों के लिए, और दोस्तों वैकेंसी काफ़ी अच्छा रखा गया है। फ्रेशर वालों के लिए कुछ कुछ पोस्ट है और एक्सपीरियंस वालों के लिए कुछ कुछ पोस्ट है। दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं पहले कौन सा पोस्ट फ्रेशर वालों के लिए। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, पोस्ट नेम है ट्रेनी इंजीनियर, और यहाँ पे BBTech कंप्यूटर साइंस में है, तो इसको अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट 54 है और बेंगलोर में ज्वाइनिंग होगा। और दोस्तों यहाँ पे सैलरी भी लिख दिया गया है। और ये दोस्तों जो वैकेंसी है, आप लोग को बेंगलोर में ज्वाइनिंग होने वाला है। अगर आप बेंगलोर जाके एग्जाम दे सकते हो तो ही इसको अप्लाई करिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपकी सैलरी भी लिख दिया गया है और यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी वाइज दिया गया है। नंबर ऑफ एक्सपीरियंस नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जॉब रिक्वायरमेंट क्या क्या ज़रूरत है। जावा नॉलेज होना चाहिए, ये सारे चीज़ें में आपके नॉलेज होना चाहिए जो इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, फुल टाइम BBTech मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन के साथ है, तो इसको अप्लाई कर सकते हो। पर यहाँ पे एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। इसमें दोस्तों 33 है और यहाँ पे 54 है, पर इसी जगह में आपकी ये जो 33 पोस्ट है, ये बेंगलुरु हैदराबाद में है और एक जगह में है बेंगलुरु और चांदीपुर, जो है चांदीपुर उड़ीसा में है, वहाँ पे भी रिक्रूटमेंट है, 21 पोस्ट है। तो यहाँ पे भी उसी ब्रांच वालों इसको अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी दोस्तों देख सकते हो, एज लिमिट जो बात करें तो 25 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, और एक जो पोस्ट है 28 तक। प्रोजेक्ट इंजीनियर 28 और ट्रेनी इंजीनियर 25 तक इसको अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो आज पर गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया, BBTech होना जरूरी है। उसके साथ एक्सपीरियंस, कुछ जगह में एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ जगह में फ्रेशर वालों अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन मोड देख सकते हो दोस्तों, आपकी मेरिट निकाला जाएगा और मेरिट होने के बाद 75 जो मार्क बेसिस में लिया जाएगा और 10% जो रहने वाला है वर्क एक्सपीरियंस के बेस में लिया जाएगा, और 15% जो है इंटरव्यू बेस में लिया जाएगा। और दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है 27 सितंबर तक इसको अप्लाई कर सकते हो, 27 सितंबर 2020। तो यहाँ पे सैलरी वगैरह भी लिखा गया है। और एप्लीकेशन फ़ी के बात करें तो 200 रुपीज़ ट्रेनी इंजीनियर के लिए और 500 रुपीज़ यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए दोस्तों। उसके बाद कैसे आपको अप्लाई करना होगा, यहाँ पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ दोस्तों, देख सकते हो। यह है इसका मतलब अप्लाई ऑनलाइन का पोर्टल है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सारे डिटेल्स भर के इसको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। यही था दोस्तों छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, और दोस्तों इसे ऐसी तरीका में वीडियो चाहती हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।